सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद ही फिल्मी इंडस्ट्री में कुछ प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और स्टार किड्स को काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है ड्यू टू नेपोटिज्म। वेल, सुशांत सिंह राजपूत से कनेक्टेड हैं महेश भट्ट, इस तरह की उनकी जो करंट गर्लफ्रेंड थी रिया चक्रवर्ती, उनके रिलेशनशिप महेश भट्ट के साथ वो भी चर्चा का विषय बना हुआ है। महेश भट्ट को भी लगातार करण जौहर की तरह सोशल मीडिया पे यूजर्स ट्रॉल कर रहे हैं, उनसे तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। आलिया भट्ट के पिता महेश भट्ट ने फाइनली अपनी चुप्पी को तोड़ दिया है और पहली बार दिया है कुछ बयान। उन्होंने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो पोस्ट की है जिसमें वो कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ क्रिप्टेड मैसेज उन्होंने लिखा है। उन्होंने फ़ोटो को शेयर करते हुए कैप्शन दिया है इस तरह कि उनका मतलब है कि आजकल जो भी चीज़ें उनके साथ हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, प्यार, ये सब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि अब मैं इस सब से यूज्ड हो चुका हूँ। ये जो भी कुछ हो रहा है, उनकी स्मेल उन तक ज़रूर जा रही है, लेकिन अब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं उनके बारे में, क्यों कहते हैं उनके बारे में। वो जैसे हैं वो वैसे ही रहने वाले हैं और वो खुश है। वेल, इस फ़ोटो को देखने के बाद हमें पता लग रहा है कि ये फ़ोटो किसी इंसान की है जो नीचे मुंह करके बैठा हुआ है, काफ़ी दुखी लग रहा है। कॉमेंट सेक्शन को लिमिटेड किया हुआ है ताकि यूज़र्स वहाँ पे अपने कॉमेंट्स ना दे सकें। इस फोटो को पोस्ट करने के बाद महेश भट्ट दोबारा से लाइमलाइट में आ गए हैं। रिया चक्रवर्ती के साथ भी उन्होंने कुछ टाइम पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग इन दोनों के बारे में क्या सोचते हैं, वो जैसे हैं वो वैसे ही रहने वाले हैं। वेल गाइस, आपका क्या कहना है इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर बॉलीवुड न्यूज़।